इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त के बड़े वीडियो की बात करें तो मध्य प्रदेश की नीमच में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो है जिसमें एक युवती एसपी से मदद की गुहार लगा रही है। वीडियो में वो कह रही है कि एसपी साहब मुझे मेरे माँ बाप व मामा जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जहाँ वो वीडियो खुद सुनी है उसमें युवती जो है गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। मेरा नाम कुमकुम है, मैं बोरखेड़ी से हूँ, जिला नीमच से, और ये रिंकू ग्राम मोया से है। हम एसपी साहब आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे मामा और हमारे घर वाले सब ऐसे चाहते हैं कि हम धंधा करें, हमको धंधे में ढकेलना चाहते, और मैं इस लड़के के साथ जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, और मेरे घर वाले पर मेरे साथ डेली जबरदस्ती करते हैं कि तुम धंधा करो धंधा करो, रोज़ धंधे के लिए टॉर्चर करते। तो एसपी साहब आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी मदद करें और इसी लड़के से शादी करें। मेरे मामा से हमको और इसके घर वालों को हमको जान का खतरा है, वो हमको बहुत परेशान करते, इसके घर पे जाके रोज़ पुलिस ले जाते हैं और रोज़ इसके घर जाके तोड़ फोड़ करते, रोज़ परेशान करते इसके घर वालों, रोज़ ना किसी को उठवाते। तो आप मदद करें, हमारे शादी करना चाहते हैं, हमको कुछ भी वजह देवयापन नहीं करना, ऐसी क्या ज़िंदगी वो देवयापन करने की हमको। देखा आपने ये वीडियो, दरअसल नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बोरखेड़ी की रहने वाली बाछुरा समुदाय की ये युवती बताई जा रही है। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये युवती जिसके साथ में उसका प्रेमी युवक भी खड़ा दिखाई दे रहा है, और ये एसपी से गुहार लगा रही है कि मेरे घर वाले और मामा जबरन देह व्यापार करवाना चाह रहे हैं, जबकि कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम मोया के रहने वाले युवक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ तक कि मेरे घर वाले जो है जान से मारने की धमकी भी दिलवा रहे हैं, जो ऐसा युवती ने कहा। और मामले में जब नीमच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश से वीडियो के बारे में जानकारी ली गई तो उनका क्या कहना रहा, आप खुद सुनिए। जहाँ तक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी संज्ञान में आया है और उसके वीडियो को देखते हुए उसकी बात को सुना गया है और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो संबंधित युवती से बातचीत करें और उसको क्या समस्या के संबंध में चर्चा करके और जो जिसके खिलाफ वो कार्रवाई चाहती है उसके अनुरूप विधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वही गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर रतलाम जिलों में नाबालिग लड़कियों सहित युवतियों से जो है खुलेआम जबरन देह व्यापार करवाया जाता है, जी हाँ, ये देश भर में बदनाम भी है ये जो इलाके है। और आपने खुद सुना इस वीडियो में, अब देखना होगा कि इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। लगातार हर छोटे से बड़े अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।